गोसाई जी परम दयाल की जय। आवाज आवे सु मारो। हाँ आज आवाज श्री अम्ने महारानी की जय। 252 वार्ता। एक कुम्हार की वार्ता है। गत सत्संग में वार्ता प्रसंग एक लियो तो आज अपन वार्ता प्रसंग दो। बहुरी एक दिन वह कुम्हार के भाई पाऊ ने आयो, ताके लिए मेवा मिश्री डारी के लडुआ किए, और पानी ना हो तो सो कुम्हारी लेन को गई, पाको मन लडुआ में। इतने दो ही कुम्हार वैष्णव आए, तिनको या कुम्हार ने लडुआ खवाई दीने। सो वह कुम्हारी दौरी आई के देखी के आगी सी लगी, पाछे भाई को रोटी करी खवाए। सो यह कुम्हार घर में जो आछी वस्तु देखे सो वैष्णव को दे बासन कपड़ा। तब स्त्री ने और कुम्हार दियो, तब वह कुम्हार बहुत प्रसन्न भयो। पाछे अकाल पड़ो, तब वह कुम्हारी कुम्हार भूखे मरे। यहाँ नित्य वैष्णव आए मंडली करे, तब वह कुम्हारी आए के या कुम्हार के पाइन परी के कही, जो अब तुम मोको घर में राखो। तब इन कहो जो अब घर में नाही, द्वार बाहे रहो प्रसाद दे के। भाव प्रकाश काहे ते जो कुम्हारी धर्म की विरोधी है, इनके संगते या कुम्हार को मन बिगड़े, तब बहिर्मुखता प्राप्त होए, ताते उनको घर में राखी नाही। और वैष्णव को यह धर्म है जो जीव मात्र पर दया राखी, ताते यह तो स्त्री है, ताते प्रसाद देन को कही। वह कुम्हार श्री गुसाई जी को ऐसा कृपा पात्र भगवदीय हतो, सुबह को श्री गुसाई जी की कृपा ते श्री गुसाई जी ऊपर ऐसा दृढ़ विश्वास हतो, ताते उनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। तो वैष्णवो, यह वार्ता में अपन को वैष्णवन की कितनी बड़ी कितनो बड़ो महात्म्य है वो अपन को यहाँ में जानने मिले। आगे भाव प्रकाश में भी अपन ने देखे वार्ता प्रसंग एक में श्री हरिराय महाप्रभु अपन को कह रहे हैं कि भगवदीय वैष्णव घर आवे ताको समाधान आची भांति सो स्नेह पूर्वक करनो, द्रव्य को सौकर्य न होए तो उधारी ले के करनो। दिस मीन्स इन एनी सिचुएशन जब अपने घर पे वैष्णव पधारे तब अपन को कैसे भी अपने उनके लिए अरेंजमेंट करके अपन को उनको स्नेह पूर्वक समाधान कर लो। अपन को उनको बिल्कुल भी श्रम या कछु नहीं देना, उनको स्नेह पूर्वक समाधान कर लो। और श्री हरिराय जी भी वल्लभ साखी ग्रंथ में आज्ञा कर रहे हैं, वैष्णव आवे द्वार पे दीजे चार रत्न, आसन जल वाणी मधुर यथा शक्ति सो अन्न। तो बस अपन भी यही भाव अपनों वैष्णव के तरफ रखें, ये यही के साथ। अस्तु, श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पूज्य श्री राजा जी जी, पूज्य श्री दादा छोटे दादा के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सब वैष्णव जन, आज मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाने वाली हूँ। एक बार
श्री महाप्रभु जी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते श्रीमद गोकुल पधारे। वही समय श्री महाप्रभु जी ने दमला जी को कही कि दम यहाँ पर ठकरानी घाट है, गोविंद घाट है, पर कोई बतावे वालो नहीं है। वही समय श्री यमुना जी ने प्रकट होके कहो यहाँ पर ठकरानी गोविंद घाट है, आप जा था रहे हो कोई ठकरानी घाट है। वही समय श्री यमुना महाप्रभु जी ने यमुना जी की स्तुति करी, नमामि यमुना महम सकल सिद्धि है तुम मुदा, मुरारी पद पंकज स्मृद मंदरे नुटकटा तथस्थ नव कामन्य। तो वैष्णव हमें नित्य श्री यमुना जी का पाठ करना चाहिए। यमुने महारानी की जय। अबे पूज्य श्री व्रजाधीप जी लालन बावा ने विनंती करी कि तेवो वचनामृत करशे अने त्यार बाद पूज्य व्रजाधीश जी लालन बावा यमनाष्टक ना छठा श्लोक नु दर्शन करावी आपने सौने लाभान्वित करशे। विशेष तो आगामी 25 तारीख थी हिंडोला उत्सव शुरू थई रह्यो छे। श्री पुष्टिधाम हवेली मा पण दर वर्षे श्री रसिया प्रभुना सुखार्थ विविध प्रकारना कलात्मक हिंडोळाना मनोरथो करवामां आवे छे। तो आप सौ पण तेमां वितजा सेवा करीने श्री रसिया प्रभुना हिंडोळाना मनोरथी बनी सहभागी थई शको छो। तो हवे पूज्य श्री व्रजाधीशजी लालन बावा ने विनंती करी कि तेवो वचनामृत करशे अने आपने सौने लाभान्वित करशे। श्री वल्लभाजी सकी जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुचरेर्मह स्वीयानान्तान् निदाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहु। यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिलान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तदा षड्भिर्विराजतेऽसौ पञ्चधा हृदये मम। अस्य विराजमान परम पूज्य बड़े दादा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं दादा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं आप सब वैष्णव वृंद। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप दादा के मुखारविंद से श्री यमुनाष्टक का स्पान कर रहे हैं। श्री यमुना जी परम कृपालु हैं, परम दयालु भी हैं। इसका प्रमाण हमको वार्ता साहित्य में भी मिलता है। आज मैं आपको श्री यमुना जी की कृपा का एक प्रसंग सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। श्री गोसाई जी ने राजा आसकरण को श्री यमुना जी में स्नान करायो।
के बाद श्री नवनत प्रिया जी के सम्मुख ब्रह्म संबंध करवाया। वहां के बाद राजा आसकरण को ब्रज लीला को अनुभव हुआ और श्री ठाकुर जी ने प्रसन्न होके ऐसे दर्शन दिए। सब सखाएं के साथ श्री ठाकुर जी होली खेल रहे हैं। होली के दिन चल रहे थे। राजा आसकरण गोप कुआं से यशोदा घाट स्नान करवे आए। और वही समय श्री ठाकुर जी ने मधुर मधुर मुरली बजाई और वो मुरली सुन के राजा आसकरण आए, रमन रीति में आए। और देखो कि अलौकिक गोकुल नंदा लेके उनको दर्शन हुए। एक तरफ श्री ठाकुर जी सारे सखाएं को लेके जा रहे हैं, एक तरफ श्री स्वामी जी सारी सखियों को लेके जा रहे हैं। चार रास्ता है, चारों रास्तों में से गोकुल नंदा लेके बहुत से परिकर आ रहे हैं। वही समय राजा आसकरण ने धमार गाई, या गोकुल के चोटे रंग राजी ग्वाल, मोहन खेले पाग मैं न सलोनी रंग राजी ग्वाल, या गोकुल के जो खटे रंग राजी ग्वाल। तो वैष्णव श्री यमुना जी की कृपा से राजा आसकरण को ब्रज लीला के दर्शन हुए। तो बस सदा अपन श्री यमुना जी को आश्रय रखें। तो बस दादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलो श्री हमने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल। श्री वल्लभादीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री हमने महारानी की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यत। नमो नमस्ते स्वर्षभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राधसां स्वधामणे ब्रह्मण्यन्त्यते नमः। मायावादि गलिंद्र दल्प दलने ना सिंदुराजोद्गत श्रीमद भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्तिभि राधा वल्लभ सेवया तदुचित प्रेम्नोपदेशैरपि श्रीमद वल्लभ नामधेय सदृशो पावेन भूतोऽस्यपि यस्यानुकम्पावशतासु दुर्लभम् मानुष्यमाप्तम् परमस्य पुंसः सर्वार्थदम् दीनदयालुमेकम् गोपाललालम् शरणं व्रपद्ये। अत्र विराजमान परम पूज्य बड़े दादाजी एवं
चिरायुष्मान गोकुल बाबा और पुष्टि मंथन सत्संग सभा से जुड़े हुए आप सब वैष्णव वृंद। गत सत्संग में हमने श्री अविनाशक स्तोत्र के पंचम श्लोक के दर्शन किए थे, जिसमें श्री आचार्य चरण ने हमें श्री अविनाश जी के उत्कर्ष का आपने वहां पे वर्णन किया। तो आज हम यह सत्संग में श्री अविनाश जी के छठ श्लोक के दर्शन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम षष्ठम श्लोक का कान करें। नमोस्तु यमुने सदा तव जले त्रमात्यद्भुतम् न जातु यमयादना भवति ते पया पानता यमोऽपि भगिनी सुता कसमोहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका। अब श्री आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि नमोस्तु यमुने सदा। श्री यमुना जी को कह रहे हैं कि नमोस्तु यमुने सदा, कि हे श्री यमुना जी, हे श्री यमुने, हम आपको सदा ही नमन करते हैं। देखिए श्री अविनाशक स्तोत्र के प्रथम श्लोक में जहाँ पे श्री यमुना जी ने श्री यमुना जी की जहाँ पे आपने स्तुति प्रारंभ कर दी, नमामि कह के आपने स्तुति प्रारंभ कर दी और उसके बाद आपने श्री यमुना जी के सकल सिद्धियों का, श्री यमुना जी के भूमि प्रदान के प्रकार का, श्री यमुना जी के आदिदेविक स्वरूप का, षटगुण धर्म का, उत्कर्ष का, ऐसी आदि कई लीलाओं का, महात्मा का आपने वर्णन किया, परंतु उसको कहने के बाद भी आप यहाँ पे कह रहे हैं कि नमोस्तु यमुने सदा, हे श्री यमुना जी, हम आपको सदा ही नमन करते हैं। क्योंकि यमुना जी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। और तव चरित्र अद्भुतम, कि श्री यमुना जी का चरित्र अद्भुत है। जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी का चरित्र अद्भुत है, इसी प्रकार से श्री यमुना जी का चरित्र भी अद्भुत है। ठाकुर जी का चरित्र कैसे अद्भुत है, ठाकुर जी आप असाधन को साधन बना देते हैं। आप काम क्रोध लोभ इत्यादि जो भगवत सेवा में बाधक है, जो भगवत सेवा में प्राप्ति के साधन नहीं है, पर उसका आपने उसे साधन बना दिया। जैसे जिस प्रकार से एक कंस ने भगवान को भय से भजा और इस दृष्टि से ठाकुर जी ने उसे मुक्ति प्रदान करी। और तो और यहाँ पे मुक्ति प्रदान करी। और इसी संदर्भ में नारद जी भी श्रीमद् भागवत जी के सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक में नारद जी भी युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषाच इत्यादयोः कृपा नृपां संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। अर्थात कि जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान को प्रेम से भजा, कंस ने भगवान को भय से भजा, शिशुपाल आदियों ने द्वेष से भजा, शिशुपाल आदियों ने द्वेष से भजा, यदुवंशियों ने पारिवारिक भाव से भजा, हमने अर्थात हमने भगवान को भक्ति से भजा और तुमने अर्थात पांडवों ने भगवान को स्नेह से भजा। तो जो भक्त जैसे भगवान के लिए भावना रखेगा, उसी भावना के अनुसार भगवान उसे मुक्ति प्रदान करेंगे। और तो और काम क्रोध लोभ ये जो है, ये भगवत सेवा भगवत प्राप्ति के साधन नहीं है, परंतु
ठाकुर जी तो आप अद्भुत कर्मा है, इसलिए आप ने यह सबको साधन बना दिया। जैसे आप वार्ता जी में भी देखें कि एक कंजूस वैष्णव की वार्ता आती है कि वह वैष्णव ने वह श्री गोसाई जी के शरण में आया और गोसाई जी से कहा कि मेरे को सेवा तो करनी है पर हमें एक पैसा भी खर्च ना हो ऐसे सेवा। तो गोसाई जी ने कहा ठीक है और गोसाई जी की कृपा से और गोसाई जी ने उसे मानसी सेवा का दान किया। उसकी उनने मानसी सेवा की सब रीत बताई कि देखो सवेरे उठो और एक शुद्ध आसन पे बैठो और बाकी बाद मानसी सेवा जो मंगला करवाओ और मंगला तक जो शयन की सेवा है वह करो मानसी। और उत्सव में विशेष सामग्री धरा। तो एक बार की बात है वह वैष्णव खीर की सामग्री कर रहा था तो खीर में उसने दो मुट्ठी की जगह तीन मुट्ठी डाल दी, एक ज्यादा डाल दी। तो उसने सोचा कि मैंने तो इसमें दो मुट्ठी की जगह तीन मुट्ठी डाल दी तो उसमें से ही एक मुट्ठी थोड़ी मैं उसने सोचा कि मैं इसमें से निकाल देता हूँ। तो निकालने गया इतनी देर में ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि तू श्री गोसाई जी ने मानसी सेवा को दान किया है फिर वा में भी तेरे का जो खर्च भी नहीं हो रो फिर भी तो ऐसे कंजूसाई कर रहे। तो वैष्णव इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि वह लोभ भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है परंतु ठाकुर जी आप अद्भुत कर्मा है इसलिए आपने असाधन को साधन बना दिया, वह लोभ को भगवत प्राप्ति का साधन बना दिया। इसलिए श्री शास्त्रार्थ प्रकरण की कारिका में श्री आचार्य आज्ञा करते हैं कि नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। कृष्ण ठाकुर जी आप अद्भुत कर्मा है, अद्भुत कर्म को करने वाले, किंतु श्री यमुना जी का चरित्र तो इससे भी ज्यादा अद्भुत है। मत्यद्भुतम अर्थात अद्भुत ही नहीं केवल अद्भुत ही नहीं अति अद्भुत है क्योंकि श्री यमुना जी का जो पान करे केवल अपनी प्यास मिटाने के लिए यमुना जी का पान करे, यमुना जी की भावना भी नहीं रखे फिर भी यमुना जी उसके अंदर भगवत भाव प्रकट करते हैं। तो इसलिए श्री आचार्य यहाँ पे आज्ञा करते हैं कि तव चरित्र अद्भुतम की शेष यमुना आपका चरित्र अति अद्भुत है। और अब आगे श्री आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि न जातु यमयाद ना भवति ते पयः पानत, कि अगर हम श्री यमुना जी का पयः पान करें तो हमें यमयातना नहीं होती। अब यहाँ पे पूर्व पक्षी ने शंका करी, आपको स्मरण है ना हमने यह विषय में चर्चा करी थी कि पूर्व पक्षी अर्थात जो शंका करे प्रश्न करे और उत्तर पक्षी अर्थात जो उसका उत्तर दे। तो वहां पे पूर्व पक्षी ने शंका करी कि जब जीव भगवत नाम लेता है तो भी वह यमयातना से बच सकता है और तो यहाँ पे श्री यमुना पान की क्या विशेषता। तो इसका उत्तर श्री हरिराय जी हरिराय महाप्रभु अपनी टिप्पणी में दे रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि जब जीव भगवत नाम लेता है और भगवत नाम लेने समय होने वाले जो 10 प्रकार के अपराध हैं और गुरुमुखता एवं दुत्संग इसको इसका जीव को सावधानी रखनी पड़ती है। देखिए जब जो जीव केवल अपने घर में बैठ के ही भगवत नाम ले और वह गुरु के सन्मुख ना हो, गुरु से विमुख हो या वह मंत्र जो मंत्र का वह जप कर रहा है वह गुरु के द्वारा प्रदत्त ना हो तो वह
मंत्र फलीभूत नहीं होता। इसलिए हमारे सबके जीवन में गुरु की महिमा बड़ी आवश्यक है। और इसी संदर्भ में श्री आचार्य के ज्येष्ठ आत्मा जी श्री गोपीनाथ जी महाराज सारंग देवी का ग्रंथ अंतर्गत आज्ञा करते हैं कि विना भक्त प्रसंगे न सदगुरु कृपया विना श्री भागवत शास्त्रेण विना भक्ति कथम भवे। कि जीव के अंदर भक्ति कैसे प्रकट हो, तो विना भक्त प्रसंगे न, अर्थात भक्त के प्रसंग के बिना, सत्संग के बिना, और सदगुरु कृपया बिना, कि सदगुरु की कृपा के बिना। सदगुरु की कृपा बड़ी आवश्यक है। और आप भागवत जी में भी देखिए तो भागवत जी के अष्टम स्कंद में जहां पे वामन भगवान की कथा आती है कि वामन भगवान जब बलि राजा के वहां पे पधारे और बलि राजा से जब उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, तब वामन भगवान को यह पता था कि जब तक यह बलि अपने गुरु के रक्षण में है, अर्थात शुक्राचार्य जी के रक्षण में है, तब तक जो मुझे चाहिए वह मुझे प्रदान नहीं होगा। और जब शुक्राचार्य जी बलि से रूट के चले पधार गए, तब बलि राजा, तब भगवान को उनकी चीज प्राप्त हो गई। तो इस कथा के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि गुरु की प्रसन्नता बड़ी आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है तस्मत सर्व प्रयत्नेन, कि हमको गुरु हमसे प्रसन्न हो। इसलिए गुरु हमसे कैसे प्रसन्न हो, गुरु हम पे सदा ही प्रसन्न हो, इसको हमको प्रयत्न करना चाहिए। और तो और धर्मशास्त्रों में भी कहा जाता है कि हरि रुष्टौ गुरुस्तात्रा, अर्थात जब जीव से हरि रुठ जाए तब गुरु मनाते हैं, पर जीव से जब गुरु रुठ जाए तब जीव का रक्षण कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे जब भगवत नाम जब जीव ले तब उसे गुरुमुखता और दुत्संग का उसे सावधान रहना पड़ता। किंतु श्री यमुना जी का जो पयपान करे, न जातु यमयादना भवति ते पयपान, कि श्री यमुना जी का जो पयपान करता है केवल अपनी प्यास मिटाने के लिए यमुना जी का पान करे, कोई यमुना जी की भावना भी नहीं रखे, फिर भी श्री यमुना जी उसे यमयादना से बचाते हैं। क्योंकि यमोपि भगिनी सुतान, हाँ, कि यमराज की छोटी बहन है यमुना जी, यमराज की, यमराज आप सूर्य से प्रकटे हैं और यम के दोषों को परिहार करने के लिए यमुना जी आप सूर्य से आपकी उत्पत्ति हुई, और जब आपने यम के दोषों को परिहार किया और तब यम भी आपका सम्मान करने लगे, तो जो जीव पयपान अर्थ भवती थे पयपान, कि जो जीव यमुना जी का पान करे, पयपान करे, और पयह का एक दूध भी होता है, तो यमुना जी का जो पयपान करता है वो उनका पुत्र बन जाता है, सुतान अर्थात पुत्र बन जाता है। तो अपनी छोटी बहन के पुत्र को वह कैसे दंड दे, और यमुना जी का जो पुत्र बन जाता है उसका यम क्या लगे, कि मामा लगे। और माँ शब्द में तो एक ही माँ है, परंतु मामा शब्द में तो 2 माँ हैं, अर्थात मामा माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाला मामा है। तो कोई जीव यमुना जी के पयपान करे तो यमुना जी का पुत्र बन जाता है और रंग उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए भगवतियों को, वैष्णवों को यह जो कली दोष है, जो दोष है, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आपने कहा कि यमोपि भगिनी सुतान कथम उहंती दुष्टानपि, के अपनी छोटी बहन के पुत्र को यम कैसे कई दंड, कथम उहंती दुष्टानपि, के कैसे दंड दे सकता है। और अब आगे श्याचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रियो भवति सेवना तव हरेर यथा गोपिका, कि
जिस प्रकार से गोपियों ने श्री यमुना जी की सेवा करी और आपने भगवत प्राप्ति करी, कि आप श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के 22वें अध्याय में देखें जहाँ पे चीरहरण की कथा आती है, कि चीरहरण की कथा आती है कि गोपियों ने श्री कुमारिकाओं ने श्री यमुना जी के वालुका से एक स्वरूप सिद्ध किया और उससे उनकी पूजा करने लगे, उनकी सेवा करने लगे और विनती करी। तो चौथ श्रीमद भागवत जी के 22वें अध्याय के 4वें श्लोक में वहां पे विनती करी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन यथेश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रु कुमारिकाः। अर्थात कात्यायनी महामाये, कात्यायनी अर्थात संहार करने वाली शक्ति, और किसका संहार करने वाली, तो जीव के अंदर जो कली दोष है उनका संहार करने वाली, और वह कात्यायनी श्री यमुना जी का स्वरूप है। और महामाये महायोगिन अधीश्वरी, अधीश्वरी का अर्थ होता है कि भगवान पे भी जिनका अधिष्ठ हो, तो ऐसी तो फिर उन्होंने यमुना जी की सेवा करी, विनती करी और यमुना जी ने उनपे कृपा करके आप ठाकुर जी आप उनपे प्रसन्न हुए और ठाकुर जी वहां पे पधारे और कहा, आज्ञा करी कि अगले शरद पूनम की रात्रि को तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तो प्रियो भवति सेवना तव हरेर यथा गोपिका। तो वैष्णवो, इस श्लोक के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि अगर श्री यमुना जी हम पे कृपा करें तो ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवती भी बड़ी ही चतुर्भुज दास बड़ी ही सुंदर पद गान कर रहे हैं। यमुना Yamuna na 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 na
पूजा प्रभु की कि हमना यमुना जी हम पे कृपा करें तो जिससे प्रभु भी प्रसन्न हो। तो बस यही मंगल भावना के साथ मैं अपने वाग पुष्प को श्री यमुना जी के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री यमुने महाराज की जय। श्री व्रजाधीश जी लालन बावा की। श्री पुष्टिधाम हवेली द्वारा दर शनिवार छेला घना समय थी सत्संग थई रह्यो छे। हमणा कोरोना काळमां ऑनलाइन सत्संग थई रह्यो छे जेमां घणा वैष्णवो नित्य सत्संगनो लाभ लई रह्या छे। आप सौ महद भाग्यशाळी छो कि आवा दिव्य सत्संगनो विशेष लाभ लई रह्या छो। आवती 10 तारीखे पण आप सौ सत्संगमां जोडाशो अने बीजा वैष्णवोने पण आ सत्संगमां जोडवानो प्रयास करजो। विशेष तो आगामी 25 तारीख थी हिंडोळा उत्सव शुरू थई रह्यो छे। श्री पुष्टिधाम हवेली में पण दर वर्षे श्री रशिया प्रभुना सुखार विविध प्रकारना कलात्मक हिंडोळाना मनोरथो करवामां आवे छे। तो आप सौ पण तेमां वितजा सेवा करीने श्री रशिया प्रभुना हिंडोळाना मनोरथी बनी सहभागी थई शको छो। हवे विशेष कई न कहता अपना सौना लाडीला पूज्य श्री हरिरायजी महोदयश्री ने आप सौ वैष्णव वती विनंती करीश के आप श्री वचनामृत करी अमने सौने लाभान्वित करशो। हरिराय प्यारे की जय। हेलो। हाँ बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। आप सबन को स्वर सुनाई दे रहा है? हाँ जी जी जी। बोलो श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। गोकुल के रसिया की जय। बोलो गौ माता की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोहम 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 न संशयः। पुष्टिमार्गी यः सर्वज्ञ करुणारसपूरितः, श्रेष्ठ फल प्रदाता च, तस्मै श्री गुरुवे नमः। निस्साधन जनोद्धार करण प्रकटीकृत गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणं मम। शिरश्च पादां भुजसत् प्रणाम योग्यं ददौ यो यदुवंश चंद्र, स्तुत्या च नत्या विनयेन हीनो गोपाल लालं शरणं प्रपद्ये, गोपाल लालं शरणं प्रपद्ये। श्री वाक्पतये नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। आओ दो घड़ी के लिए श्री यमुना जी के दिव्य अलौकिक नाम का उच्चारण करें। आप सब जहां हैं वहीं से बैठे बैठे श्री यमुना जी के नाम का उच्चारण करेंगे, तालियों के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, मन आत्मा से ऐसा भाव प्रकट करें कि हम सब एक साथ श्री यमुना जी के सानिध्य में, ब्रज में, श्री ठकरानी घाट में उपस्थित हैं। तो आओ, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, यमुना जी की जय, यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, 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 यमुना यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, यमुना जी की जय। तालियों की सेवा करते करते जय बोलो श्री यमुना जी की जय, यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की।
की जय जय बोलो श्री यमुना जी की जय जय बोलो श्री यमुना जी की जय यमुना जी की जय यमुना जी की जय जय बोलो श्री बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय बोलो ब्रज भूमि की जय आज के आनंद की जय भक्ति महारानी तुर्यप्रिया श्री यमुना जी के सुकोमल युवल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। श्री गोपाल प्रभु श्री रसिया प्रभु के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम। अत्रैव विराजमान पूर्व वक्ता चिरायुष्यमान मुख्य वक्ता परम प्रिय श्री व्रजाधीश जी लालन बाबा चिरायुष्यमान अत्रैव विराजमान श्री गोकुलेश्वर जी प्रणालिका राजा चिरंजी रसालिका बेटी जी एवं सत्संग के व्यसनी सत्संग के आग्रही सत्संग प्रिय या फिर सरल भाषा में कहें कि जिनको सत्संग अच्छा लगता है ऐसे आप सब अत्यंत भावुक परम प्रिय श्री वल्लभ के अत्यंत लाडीले हमारे आत्मीय वल्लभीय वैष्णव वृंद पुष्टि मंथन सत्संग सभा प्रति शनिवार वैष्णवों को सत्संग सरिता में स्नान कराती है। श्री गंगा जी में स्नान करने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। यहां से हरिद्वार की यात्रा करनी पड़ती है, टिकट करवानी पड़ती है, ट्रेन में फ्लाइट में बैठना पड़ता है, स्थान बुक कराना पड़ता है और फिर जाके वहां पे श्री गंगा जी का स्नान इत्यादि दर्शन इत्यादि पान इत्यादि का लाभ मिलता है। लेकिन ये सत्संग सरिता प्रियजनों ऐसी है जहां हैं हम जिस स्थिति में हैं हम जैसे भी हैं हम सबन को बड़ी ही सरलता से सहजता से प्राप्त हो जाती है। या फिर यूं कहें कि एक साधारण वैष्णव भी ये सत्संग सरिता का लाभ प्राप्त कर सकता है। पुष्टि मंथन सत्संग सभा के माध्यम से बड़ा ही सुंदर ये क्रम श्री यमुना जी की ही कृपा मानो पूज्य दादाजी के आशीर्वाद से ये चल रहा है जिसकी अब प्रत्येक सत्संग अनुरागी वैष्णवों को आतुरता रहती है।
कि कब शनिवार आवे और कब हम सब एक साथ एकजुट होकर सत्संग में जुड़ जाएं। और अब श्री यमुना जी की कृपा से घर बैठे ये सत्संग सरिता का लाभ वैष्णव सृष्टि को मिल रहा है। यह सत्संग अंतर्गत चिरायुष्मान लालन के मुखारविंद से श्री यमुना जी का गुणगान, श्री यमुनाष्टक का श्रवण हम सब कर रहे हैं। ये बड़े ही आनंद का विषय है। एक बाल आचार्य के मुखारविंद से एक बालक के मुखारविंद से हमारे सबन की जो आदिदेविक माता है श्री यमुना जी का गुणगान, हम सब एकत्र एकाग्र चित्त से यथामति से श्रवण भी कर रहे हैं। कई वैष्णव भगवत सत्संग के बाद अपने अभिप्राय भेजते हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से, कि बड़ा सुंदर ये क्रम चल रहा है। और उसमें भी सब विशेष लालन के मुखारविंद से जो श्री यमुनाष्टक प्रवाहित हो रहा है वैष्णव को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बड़ी एकाग्र चित्त से आप सब श्रवण भी कर रहे हैं। प्रियजनों, यह श्रवण और श्रवण का स्मरण, ध्यान दो, अत्यंत आवश्यक है। हम सब श्रवण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन समस्या तब प्रकट होती है कि क्या श्रवण किया उसका स्मरण नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमने श्रवण ही न किया हो, हमने सुना ही न हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमने सुना हो लेकिन केवल कान से सुना हो, ध्यान से न सुना हो। कर्णेंद्रिय के साथ जब मन प्रवृत्त होता है तब जाके वो श्रवण श्रवण बनता है। मानसीसा परामता, मन का उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रिया, तो श्रवण का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। इतना सुंदर श्री यमुनाष्टक के एक एक श्लोक पर आप सबन को ज्यादा कष्ट न हो इस वजह से हर शनिवार को एक एक श्लोक लिया जा रहा है। तो ये श्रवण और श्रवण का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। प्रियजनों, देखो शास्त्रकार कहते हैं कि दो प्रकार के स्मरण हैं। एक है साधन रूपा श्रवण स्मरण और दूसरा है फल रूपा स्मरण, जिसे हम सेवा रूप स्मरण भी कह सकते हैं। साधन रूप स्मरण क्या है कि फल की इच्छा के साथ संख्या को ध्यान में रखते हुए कोई मंत्र, कोई स्तोत्र का उच्चारण करना
जप पाठ करना ये साधन रूप श्रवण स्मरण है। ध्यान दो, जैसे कई बार वैष्णवों से पूछते हैं कि आप यमुनाष्टक का पाठ करते हो, तो सहज ही वैष्णव उत्तर देते हैं हाँ हम यमुनाष्टक का पाठ करते हैं और नौ बार करते हैं। कई वैष्णवों को देखा सर्वोत्तम जी का पाठ करते हैं, पूछा कितनी बार करते हो कि 35 बार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 35 श्लोक हैं। तो जहां संख्या को ध्यान में रखकर सकाम भाव से जो भगवद नाम लिया जाता है, स्मरण किया जाता है, वो साधन रूप स्मरण है। एक मंडल में हमारी बदरामनी हुई, बहुत समय पहले की बात है ये, और मंडल में यमुना मंडल था, श्री यमुना जी का गुणगान अक्सर करते, और कार्यक्रम ऐसा कुछ था कि जिस दिन पधरावनी थी उस दिन श्री यमुना जी के 41 पदों का उच्चारण करना, और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 41 बार श्री यमुना जी के पद का उच्चारण पाठ। अब मैंने विचार किया कि 41 पद और 41 बार किया जाए तो बड़ा समय लगेगा, थोड़ा ज्यादा समय लेके जाना पड़ेगा। अब वहां पहुंचने के बाद वहां की जो व्यवस्था थी वो देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वहां क्या देखा कि 41 वैष्णवों को एक स्थान पे बैठा दिया गया था, एक आसन पे, और सबन से ये कहा गया था कि 41 पद एक एक बार बोल जाओ। 41 वैष्णव, 41 पद, 41 बार हो गया। प्रियजनों, ये साधन रूप स्मरण है। हमारे आचार्य आज्ञा करते हैं कि मुख्य श्रवण, मुख्य स्मरण, मुख्य भगवद नाम का उच्चारण जो है वो फल रूपा, सेवा रूप होना चाहिए। वो सेवा रूप कैसे होगा कि जब कोई भी मंत्र, जब कोई भी स्तोत्र के तत्व सार तक हम पहुंच पावे, कि उसके गूढ़ार्थ को हम समझ पावे। कोई भी मंत्र आप ले लो, कोई भी आप स्तोत्र के दर्शन करो, श्री आचार्य चरण के, प्रभु चरण के, श्री राय महाप्रभु के, और वह स्तोत्र वो ग्रंथ के गूढ़ार्थ में हम जब प्रवेश कर सके, और वह जो स्मरण हुआ, वो जो श्रवण हुआ, वो सेवा रूप, फल रूप श्रवण स्मरण है। ध्यान दो। देखो, तीन शब्द हमने श्रवण किए होंगे, आप सब अपने मुखमंडल को हिला के उत्तर देना। एक शब्दार्थ सुना है, दूसरा भावार्थ श्रवण किया है ना, और तीसरा है गूढ़ार्थ। ये तीनों को समझने की आवश्यकता है। एक है शब्दार्थ, जैसे हम यमुनाष्टक का गुणगान कर रहे हैं लालन के मुखारविंद से, आप भी नित्य यमुनाष्टक का पाठ करते हैं, तो एक एक श्लोक, एक एक शब्द के अर्थ को समझना, एक एक शब्द के अर्थ को समझना वह शब्दार्थ है। शब्द के अर्थ के साथ साथ शब्द के भाव को समझना वो भावार्थ है, और भाव के साथ साथ तत्व की यात्रा करनी, तत्व तक पहुंचना, प्रियजनों, वह गूढ़ार्थ है। जैसे उदाहरण रूप दही, अब जब दही का हम मंथन करते हैं तो छाछ प्रकट होती है,
और अब छाछ का जब मंथन होता है तब नवनीत प्रकट होता है। पहले दही, दही में से छाछ और छाछ में से नवनीत, शब्दार्थ भावार्थ और नवनीत रूप माखन रूप प्रियजनों गूढ़ अर्थ को समझने की आवश्यकता है। जैसे समुद्र तट पे कहा जाता है कि तीन प्रकार के जीव आते हैं। एक जीव जो आता है वो रेती लेने आता है, समुद्र तट की जो रेतियां होती हैं वो रेती को लेके जाता है। दूसरा जीव आता है वह समुद्र तट पे जो छीप होते हैं वो छीप को प्राप्त करता है। और एक होता है गोताखोर, ध्यान दो, जो समुद्र तल में उतर कर, वो तट पे उसको आनंद नहीं आता, वो तो तल में उतरता है और वहां तल में उतर कर कीमती बहुमूल्य रत्न प्राप्त करता है। प्रियजनों यही गूढ़ार्थ है, तल में केवल तट पे नहीं रहना है, हमें तल में उतरना है। चिरायुष्मान लालन बाबा जो यात्रा करवा रहे हैं वो तट से लेके तल की यात्रा करवा रहे हैं। यमुनाष्टक का पाठ हम करते हैं, उसके अर्थ का पठन हम करते हैं, लेकिन ये शब्दार्थ भावार्थ के साथ साथ गूढ़ार्थ तक पहुंचना मानो तल की यात्रा है। कई बार विचार आवे कि श्री आचार्य महाप्रभु ने इतना सुंदर ये यमुनाष्टक प्रकट किया है, फिर अन्य जो आचार्यों ने जो टीकाएं प्रकट करी हैं उसकी क्या आवश्यकता है। जब श्री आचार्य महाप्रभु ने इतना सुंदर श्री यमुनाष्टक प्रकट कर दिया, फिर उस पे टीका के उसके गूढ़ार्थ प्रकट करने की क्या आवश्यकता है। ध्यान दो प्रियजनों, श्री आचार्य महाप्रभु की जो वाणी है वो दुर्बोध है, साधारण जीव समझ नहीं सकता। प्रभु चरण स्वयं सर्वोत्तम स्तोत्र में आज्ञा करते हैं कि तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद यथा तथा। श्री आचार्य महाप्रभु की जो वाणी है जैसे भगवत वाणी साधारण जीव समझ नहीं सकता, ऐसे ही श्री आचार्य चरण की वाणी भी ऐसी है कि साधारण जीव समझ नहीं सकता। आप देखो प्रभुदास जलोटा जी की वार्ता में बड़ा सुंदर एक उल्लेख आता है कि एक बार श्री आचार्य चरण मथुरा विश्राम घाट में पधारे और वहां दमला जी, प्रभुदास जी, कृष्णदास मेघन सभी भगवदीय विद्यमान थे, आपके समीप बैठे थे। और तब रूप सनातन आए, चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य, और श्री आचार्य चरण को दंडवत प्रणाम किया, दो हाथ जोड़ के विनती करी कि महाराज हमने तो सुना है आपका जो मार्ग है वो पुष्टि है, और फिर आपके जो सेवक हैं इतने दुर्बल क्यों हैं? ध्यान दो, आपका मार्ग तो पुष्टि है और आपके सेवक इतने दुर्बल क्यों हैं? तब श्री आचार्य महाप्रभु ने बड़े सुंदर वचनामृत कहे कि हमने तो बहुत बड़जे, बहुत मना करी, माने नहीं, अब ये फल दशा को भोगत हैं, अब या को फल भोगत हैं। श्री आचार्य जी ने क्या कहा कि हमने तो बहुत रोके कि ये मार्ग में मत आओ, हमारो मान्यो नहीं, अब फल भोगत हैं।
अब साधारण जीव श्री आचार्य महाप्रभु की ये वाणी को क्या समझ सकता है? ये तो एक आचार्य ही इसके भाव को, गुड अर्थ को समझा सकते हैं। जब ये रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के पास आए और ये सब वृत्तांत पूछा कि क्या हुआ, श्री आचार्य जी के पास गए, तब उन्होंने पूरी बात कही कि श्री आचार्य जी ने ऐसे ऐसे वचन कहे, मैंने ऐसा पूछा और उनका उत्तर ऐसा आया कि हमने तो बहुत बर्जे नहीं माने, अब फल भोगत हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु ने ये श्रवण किया, इतिहास प्रमाण है प्रियजनों, आप वार्ता खोल के दर्शन करें, चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आ गई। गुढ़ार्थ शहराय महाप्रभु भाव प्रकाश में बताते हैं कि श्री आचार्य महाप्रभु की वाणी दुर्बोध है, साधारण जीव समझ नहीं सकता। जैसे रास पंचाध्याय में वर्णन आता है कि प्रभु ने वेणुनाद किया और जब श्रवण गोपी जनों ने किया तो गोपी जन जो कार्य कर रही थी सब कुछ छोड़कर भगवान के पास आ गई। उल्लेख आता है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवानी च, कि आपका स्वागत है यहां, आपका आने का क्या प्रयोजन है ऐसी मध्य रात्रि को स्त्री को घर से बाहर निकलने का। भगवान ने बहुत कुछ कहा, यहां तक कह दिया कि अब सब अपने अपने घर जाओ, लेकिन गोपी जनों ने भगवान की ये बात मानी नहीं है और परिणाम फल कि उन सबन को रास में प्रवेश हुआ। उन सबन गोपी जनों को रास का परमानंद प्राप्त हुआ। तो ये भगवत वाणी प्रियजनों गूढ़ है, दुर्बोध है, श्री वल्लभ वाणी भी दुर्बोध है, तात्पर्य साधारण जीव नहीं समझ सकता। और इसीलिए श्री वल्लभ का जो भाव है श्री प्रभु चरण, क्योंकि श्री यमुनाष्टक के चार आचार्यों ने टीकाएं प्रकट करी हैं, आप सब याद रखना, आप सब उनको तो याद ही होगा। एक प्रभु चरण, दूसरी शिक्षा सागर श्री हरिराय महाप्रभु, तीसरी दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी, जिनके परिचय में ऐसा कहा जाता है कि आप जब प्रवास में पधारते तो 32 गाड़ा आपके साथ ग्रंथों के चलते। तो ये पुरुषोत्तम जी ने टीका प्रकट करी है और चौथी श्री द्वारिकेश जी ने श्री यमुनाष्टक की टीका प्रकट करी है। श्री यमुना जी के एक एक श्री आचार्य चरण के जो दुर्बोध वचन हैं, उनको बड़े सरलता से जन सामान्य तक पहुंचाया है। ज्यादातर क्या होता है प्रियजनों, हम सब केवल शब्दार्थ और भावार्थ में ही फंस जाते हैं, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई वैष्णव तो कह देते हैं कि भाई ये तो संस्कृत में है, ये तो हमको तो संस्कृत पढ़े नहीं है, हमको तो आता नहीं है, हम कैसे जाने। प्रयत्न तो करो। जैसे मुझे वो स्मरण आ रहा है, बाल्य अवस्था में बाल साहित्य में एक बोध कथा आती थी कि एक लोमड़ी थी और एक दिन क्या हुआ कि वो लोमड़ी खाने के लिए वो अंगूर के खेत में गई। अब अंगूर के खेत तो आप सब जानते ही हैं कैसे होते हैं, अंगूर बड़े ऊंचे होते हैं, उसको पूरा वैसे बनाया जाता है उसको। अब ये लोमड़ी खेत में चली तो गई लेकिन अंगूर खा नहीं सकती, ध्यान देना। अब एक बार उछल कूद लगाई, दो बार कूद लगाई,
थक गई और फिर क्या कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। वो पहुंच नहीं पाई तो उसने क्या कहना शुरू कर दिया, जो कोई भी मिले वहां मत जाना, वो तो अंगूर खट्टे हैं। हमारी भी कहीं ना कहीं ऐसी ही स्थिति है, हमको भी कहीं ना कहीं ये अंगूर, ये ग्रंथ क्लिष्ट लगते हैं, खट्टे लगते हैं। कारण हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ कुछ कम है। हम वो गुणार्थ तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रिय, ये तो आप सबन का परम सौभाग्य है कि इतनी सरलता से श्री आचार्य चरणों की वाणी को आप तक पहुंचाया जा रहा है, और वो भी बाल भाषा में। बोलो, विचार तो करो, आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि चिरंजी लालन बाबा के मुखारविंद से प्रति शनिवार श्री यमुनाष्टक के एक एक श्लोक केवल आप श्रवण नहीं कर रहे हो। आप यो मत मानना कि मैं केवल श्रवण कर रहा हूं, नहीं, आप पय पान कर रहे हो। आप श्री यमुना जी का घर बैठे पान कर रहे हो, ये भाव प्रकट होना चाहिए। श्री गोसाई जी की टीका, श्री हरिराय महाप्रभु जी के टीका के साथ एक एक श्लोक, और उसमें भी आज का जो क्रम छठे श्लोक के हमने दर्शन किए श्री यमुनाष्टक के। प्रियजनों, श्री यमुना जी परम कृपालु है, ध्यान दो। एक बार अभी जो हमने श्रवण कर चुके हैं, जो जीव जो भाव से भी श्री यमुना जी के सन्मुख हो जाता है, श्री यमुना जी तत्काल उस पर कृपा करती है। आप देखो, परमानंद दास जी को जब श्री आचार्य चरण ने यमुनाष्टक ग्रंथ पढ़ाया, प्राचीन जब वार्ता साहित्य के हम दर्शन करते हैं तो जो अनुभवी वैष्णव हैं वो ये बात समझ जाएंगे कि ये जितने भी ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ श्री आचार्य चरणों ने भगवती वैष्णवों को पढ़ाए हैं। श्री आचार्य चरण के कई ग्रंथ ऐसे हैं जो श्री गोसाई जी ने 252 भगवतियों को पढ़ाए। आप रघुनाथ दास जी की भी वार्ता देखें तो उसमें भी ऐसा कुछ उल्लेख आता है। तो यहां परमानंद दास जी को जब यमुनाष्टक पढ़ाया, तुरंत श्री यमुना जी के आदिदेविक स्वरूप के परमानंद दास जी को दर्शन हुए, तुरंत पदगान किया, और श्री यमुना जी की ऐसी कृपा हुई परमानंद दास जी पर कि उनको श्री ठाकुर जी की बाल लीला का अनुभव होने लगा। आप वार्ता प्रसंग देख सकते हैं। श्री यमुना जी की कृपा से परमानंद दास जी को श्री ठाकुर जी की बाल लीला का अनुभव हुआ। एक बात समझ जाओ, श्री यमुना जी द्वार पे ठाड़ी हैं। जब जीव ठाकुर जी तक पहुंचने का प्रयत्न करता है, श्री यमुना जी द्वार पे ही ठाड़ी है। द्वार बंद है और चाबी कौन के पास है? श्री यमुना जी के पास। आप देखो, जब हम ब्रज यात्रा करने जाते हैं तो सबसे पहले श्री यमुना जी का पूजन किया जाता है, श्री यमुना जी की आज्ञा ली जाती है, श्री यमुना जी को विनती की जाती है, श्री यमुना जी के सन्मुख संकल्प लिया जाता है, नियम लिए जाते हैं। श्री यमुना जी साक्षी हैं। और जब ब्रज यात्रा करने के बाद पुनः हम मथुरा आते हैं तब श्री यमुना जी के सन्मुख ही वो नियम छोड़ा जाता है।
ब्रज का द्वार मथुरा और मथुरा में वो द्वार में श्री यमुना जी थाड़ी। श्री यमुना जी परम कृपाल है। आज इतना सुंदर ये छठे श्लोक के दर्शन किए। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र मत्यद्भुतम। श्री आचार्य चरण ने एक बार फिर श्री यमुना जी को यमुनाष्टक में नमन किया है। प्रारंभ नमन से है, नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि है तुम मुदा। और फिर पुनः अब विचार करो, एक बार जब हम नमस्कार कर चुके हैं, एक बार हमने नमन कर दिया, तो फिर दोबारा करने की क्या आवश्यकता है? फिर यहां वापिस आज्ञा कर रहे हैं, नमोस्तु यमुने सदा। कई बार कई वैष्णव प्रश्न करते हैं कि षोडश ग्रंथ के क्रम में भी हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम तो कृष्ण हैं, श्री महाप्रभु तो कृष्ण सेवा सदा कार्य की आज्ञा करते हैं, तो कृष्णाश्रय स्तोत्र सबसे पहले आना चाहिए, यमुनाष्टक क्यों? यमुना जी को सबसे पहले नमन क्यों किया? ध्यान दो, टीकाकार बड़ी सुंदर बात करते हैं कि वल्लभ के प्रिय ठाकुर जी और ठाकुर जी के प्रिय श्री यमुना जी, यानी प्रिय के प्रिय अति प्रिय। यमुना जी कैसी हुई कि प्रिय के प्रिय वल्लभ के प्रिय ठाकुर जी और ठाकुर जी की प्रिय जो है वो श्री यमुना जी हैं, यानी प्रिय के प्रिय जो हैं वो श्री यमुना जी हैं, इसलिए सबसे पहले नमामि यमुनामहम, यमुनाष्टक प्रथम है। अब एक बार नमन हो गया, फिर दोबारा नमन की आवश्यकता क्या है? फिर ये क्यों दोबारा आया, नमोस्तु यमुने सदा? प्रभु चरण श्री गोसाई जी अपनी टीका में बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं के भक्तों पर उपकार करने वाली श्री यमुना जी की स्तुति सेवा आचरण जीव क्या कर सकता है? हम दोष युक्त जीव श्री यमुना जी की क्या स्तुति क्या सेवा कर सकते हैं? वह तो केवल नमन करने ही योग्य है। भगवान को नमन करना संभव है। प्रभु चरण की टीका में विवृत्ति में प्रभुचरण बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं कि भगवान को नमन करना संभव है, क्योंकि भगवान का महात्म्य तो सर्वविदित है, सभी शास्त्रों में प्रकट है। लेकिन श्री यमुना जी का जो महात्म्य है वह तो यह अष्टक केवल श्री यमुना अष्टक में ही श्री आचार्य चरण ने प्रकट किया है। श्री यमुना अष्टक श्री यमुना जी का महात्म्य कई ग्रंथों में प्रकट है, लेकिन जो श्री आचार्य महाप्रभु ने प्रकट किया है, जो श्री यमुना जी के आदिदेविक स्वरूप के दर्शन कराए हैं, वो कोई भी अन्य आचार्यों ने नहीं कराए। अथ प्रभुचरण आज्ञा करते हैं कि श्री यमुना जी को नमन वही कर सकता है जो जीव पर श्री वल्लभ की कृपा हो, या जो लीला परिकर का जीव है वही केवल श्री यमुना जी को नमन कर सकता है। साधारण जीव नमन भी नहीं कर सकता, क्योंकि साधारण जीव को तो दोष ही दिखते हैं। कई वैष्णव यमुना जी जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, और जब उनसे पूछने में आ गए कि क्या करके आए, कैसी रही यात्रा, कहां कहां गए, क्या क्या देखा, तो उत्तर क्या मिलता है कि सबसे पहले तो यमुना जी गए, लेकिन यमुना जी में तो इतना प्रदूषण है, इतनी गंदगी है, जहां देखो वहां गंदगी गंदगी गंदगी। पहुंच तो गए, श्री यमुना जी के सन्मुख भी हो गए,
यमुना पान भी किया, पूजन भी किया और देखा क्या, लेके क्या आए कि वहां तो केवल गंदगी ही गंदगी है, दोष ही दोष है। प्रियजनों एक बात याद रखो, दोष हमारे नेत्रों में है, दृष्टि दोष है। श्री यमुना जी तो संयोगनी शक्ति है, परम पवित्र हैं, करुणामयी हैं, भक्ति स्वरूपा हैं, श्री ठाकुर जी की अत्यंत प्रिय है, चतुर्थ प्रिया है। दोष तो कहीं ना कहीं हमारे में है। तो यहां नमन यमुना जी को कौन कर सकता है? प्रभु चरण आज्ञा करते हैं जिन पे श्री आचार्य महाप्रभु की कृपा हो, जिनको श्री आचार्य महाप्रभु जिन पे कृपा करें और श्री यमुना जी के आदिदेविक स्वरूप के दर्शन हो, वही नमन कर सकता है। नहीं तो हाथ तो सब जोड़ लें, मस्तक भी झुका लें, कहें ना तीन प्रकार के नमन हैं, एक नमन के हाथ जोड़कर, दूसरा नमन के हाथ के साथ साथ मस्तक भी झुक जाए। नहीं तो अब तो क्या हो गया, पहले तो प्राचीन समय में जब वैष्णव वैष्णव मिलते तो दो हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण करते, वैष्णव जब वल्लभ कुल के सन्मुख होते तो दो हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, और अब इतने हम मॉडर्न एडवांस हो गए, अब सीधे दंडवत जय श्री कृष्ण, हाथ यूं रखा, दो हाथ भी नहीं जुड़ते। इतना भी कष्ट लेने के लिए हम तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, होता है कि नहीं? अब केवल हाथ हमने यहाँ हृदय के पास रख दिया, जय श्री कृष्ण, कोई वल्लभ कुल के सन्मुख हुए, जय जय दंडवत प्रणाम। अरे ये कौन सा प्रकार हुआ, केवल हाथ, हाथ के साथ मस्तक झुक जाए और हाथ और मस्तक के साथ अपना जब हृदय झुक जाए तब मानो प्रियजनों नमन हुआ। यही सच्चा नमन है जो हृदय से हो। ये तो सब फॉर्मेलिटीज औपचारिकताएं हैं, करो कि न करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो श्री यमुना जी को नमन श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं सदा। नमोस्तु यमुने सदा। देखो आध्यात्म मार्ग में सदा सर्वदा नित्य हम बार बार सुनते हैं, यहां अनुकूलताओं पे धर्म नहीं होता। कई वैष्णव कहते हैं ना, सत्संग में आने की तो बहुत इच्छा है लेकिन समय अनुकूल नहीं है, अब 8:30 का है, समय अनुकूल नहीं है। अनुकूलताओं पे धर्म नहीं होता, अनुकूलताओं पे सत्संग नहीं चलता। जिसको आग्रह है वो रात को 3 बजे भी बैठ के सत्संग सुनेगा, और जिसको आग्रह नहीं है उसको अनुकूलता कभी प्राप्त नहीं होगी। धर्म आध्यात्म अनुकूलताओं पे नहीं चलता कि आज मुझे अनुकूलता है, आज मैं सत्संग करूं, आज मुझे अनुकूलता है, आज मैं गुरु की सन्मुख हो जाऊं, आज मुझे अनुकूलता है, आज मैं सेवा में अपरस करूं, झाड़ी चरण स्पर्श करूं, श्रृंगार धराऊं, आज मुझे अनुकूलता नहीं है तो मैं नहीं करूं। नहीं, यहां तो सदा सर्वदा सर्व भावे न भजन यो ब्रजा दीप। नमोस्तु यमुने सदा, नित्य सदा सर्वदा। श्री आचार्य चरण ने यो नहीं किया है कि जब अनुकूल हो तब आप करो, जब आपको समय मिले तब आप करो, नहीं। जो आप एक जागृत वैष्णव हैं तो आपको ये सदा को समझना पड़ेगा। जो आप वल्लभ चरण अनुरागी वैष्णव हैं तो आपको ये सदा सर्वदा समझना पड़ेगा। जो आप श्री यमुना जी के कृपा पात्र जीव हैं तो फिर आपको ये सदा और सर्वदा समझना पड़ेगा। अनुकूलताएं बनानी पड़ेगी, अनुकूल बनना पड़ेगा। आज देखो हमारे ठाकुर जी हमारे कितने अनुकूल होके चल रहे हैं,
कभी विचार किया हमारे गुरुजन हमारे वल्लभ हमको कितने अनुकूल होके चल रहे हैं? कभी विचार किया? तो हम एक वैष्णव होकर, हम एक दास होकर, हम एक सेवक होकर हम हमारे प्रभु के, हम हमारे गुरु के क्या अनुकूल नहीं हो सकते? ठाकुर जी कितने अनुकूल हैं, आप जब जगाओ तब जग जाते हैं, आप 7 बजे जगाओ 7 बजे जगेंगे, आप 8 बजे जगाओ 8 बजे जगेंगे, आप 9 बजे जगाओ। बंबई में तो एक वैष्णव हमने देखे, हमसे कहें जे जे हमारे ठाकुर जी तो दोपहर को 2 बजे पहले जगते ही नहीं है। अब ठाकुर जी जगते नहीं है कि तुम जगते नहीं हो? तुम 9 बजे जगो तो ठाकुर जी 2 बजे ही जगेंगे, तुम जल्दी 6 बजे जगो तो ठाकुर जी 7 बजे जग जाएंगे। कभी भी ऐसा हुआ कि 7 की जगह 8 बजे हमने मंगला कराए और ठाकुर जी तो पहले ही जग के बैठे हैं? कभी ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा नहीं होता। ठाकुर जी हमारी अनुकूल चलते हैं, जो जब जगावे, जो जब धरावे, जो जो सो आरोग आवे, ठाकुर जी आरोग लेते हैं। हमारे गुरुजन आप देखो 252-284 वैष्णव की वार्ता में श्री आचार्य जी प्रभु चरण के अनुकूल वैष्णव थे, उनकी अनुकूलता में चलते थे। आज का वैष्णव अपनी अनुकूलता पे चलता है और अपने गुरु को भी अपनी अनुकूलता, सब कुछ नक्की होए। कई वैष्णव हमको, घना वैष्णव फोन करे जे जे ब्रज में जा रहे हैं। अच्छा तो क्यों फोन किया? कि जे जे आज्ञा लेने के लिए फोन किया है। अच्छा आज्ञा लेने के लिए फोन किया है, कब जा रहे हो? कभी बस कल की टिकट है। तो तुमने आज्ञा लेने के लिए फोन किया है कि सूचना देने के लिए फोन किया है? केवल सूचना देने के लिए फोन किया है। आज्ञा लेने के लिए फोन किया होता तो जब आपके मन में भाव प्रकट होता कि अब यमुना जी जाना है, अब ब्रज में जाना है, चलो गुरु घर आज्ञा ले लें। अनुकूलताओं पे धर्म नहीं चलता। ध्यान दो प्रियजनों, धर्म के लिए, गुरु के लिए हमको अनुकूल, प्रभु के लिए हमको अनुकूल बनना पड़ेगा। तो यहां नमोस्तु यमुने सदा, सदा सर्वदा बस भगवद नाम श्री यमुना जी का नाम लेते रहें। क्यों? जीवन की कोई भी स्थिति, जैसे सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, प्रतिकूलता हो, अनुकूलता हो, ऐसी सब स्थितियों में ही हमारा जो मन है, हमारा जो आश्रय है, वो डगमगा जाता है। ऐसे ही समय में श्री यमुना जी हमको बल प्रदान करती है, हमारा आश्रय दृढ़ करती है। नमोस्तु यमुने सदा, क्यों? तव चरित्र मध्य अद्भुतम, क्योंकि आपका चरित्र अति अद्भुत है। अभी पूर्व वक्ता लालन ने इतना सुंदर विस्तार से ये विषय को आप सबन के आगे रखा है कि अद्भुत किसे कहते हैं। बड़ी सुंदर उन्होंने प्रभु चरण श्री गुसाई जी की जो विवृत्ति है उसके आधार पर श्री गुसाई जी क्या समझा रहे हैं, अद्भुत क्या है वो हमको समझाया। अद्भुत किसे कहेंगे? और श्री यमुना जी तो अद्भुत नहीं, अति अद्भुत है। श्री आचार्य चरण निबंध में आज्ञा करते हैं, नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद अद्भुत कर्मणा, कि हमारे कृष्ण कैसे हैं कि वो अद्भुत कर्म करने वाले हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थवान, कोई वैष्णव के यहाँ मिश्री आरोगे, कोई वैष्णव के यहाँ 56 भोग आरोगे, कोई वैष्णव के वहां अनसखड़ी आरोगे, कोई के वहां, किसी वैष्णव के वहां सखड़ी आरोगे और कोई वैष्णव के वहां मिश्री की कणिका आरोगे। अद्भुत कर्मा है। लेकिन यहाँ यमुनाष्टक में श्री आचार्य चरण क्या आज्ञा करते हैं कि नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र मत्यद्भुतम। कृष्ण चरित्र तो अद्भुत है,
लेकिन यमुना जी का चरित्र तो अति अद्भुत है, कृष्ण से भी ज्यादा अति अद्भुत है। क्यों अति अद्भुत है, क्यों उनसे बढ़कर है? देखो हमारे पुष्टि मार्ग में दो माता, एक यशोदा माता और दूसरी हमारी श्री यमुना जी, एक श्री ठाकुर जी की माता यानी यशोदा जी और एक हम सबन की भक्तों की मैया यानी श्री यमुना जी। ब्रज लीला में ऐसा प्रसंग आता है कि ठाकुर जी को बांधने का प्रयत्न यशोदा जी ने किया, ठाकुर जी बंधे नहीं, ठाकुर जी की जो माता है यशोदा जी ने ठाकुर जी को बांधने का प्रयत्न किया, रस्सी लेकर पीछे पीछे भागी, ठाकुर जी बंधे नहीं। लेकिन हमारी श्री यमुना जी कैसी हैं? तो भगवत ये कहते हैं कि प्रेम के फंद से ग्रही जो राख है तुम जो पठावत तही ये धावे। यशोदा जी तो थक गई, ठाकुर जी बंधे नहीं, और यमुना जी कैसी हैं कि प्रेम के फंद से ग्रही जो राखे, ठाकुर जी को ऐसो प्रेम के फंद से बांध के रखो है श्री ठाकुर यमुना जी ने कि जहां श्री यमुना जी कहें तुम जो पठावत तहां अब धावत सदा। जहां श्री यमुना जी आज्ञा करें वही स्थान पे श्री ठाकुर जी पधारे हैं। या लिए श्री यमुना जी को चरित्र अति अद्भुत है। हमने अभी अभी श्रवण कियो कि यमुना जी में असाधन अद्भुत यानी क्या कि जहां जिसमें असाधन को साधन बनाने का सामर्थ्य हो वो अति अद्भुत है। जैसे अभी लालन ने बड़ी सुंदर बात करी कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये जो विषय हैं, श्री आचार्य चरण तो स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि विषयाक्रांत देहा नाम नावेशम सर्वथा हरि, ये जो भी विषय हैं ये सब भगवत प्राप्ति में ध्यान दो असाधन हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब असाधन हैं, लेकिन जिन पर श्री यमुना जी की कृपा होती है ये असाधन, ये जितने भी विषय हैं ये साधन रूप हो जाते हैं। जैसे पुष्टि मार्गी काम क्या है कि कामो हरिर दिदक्ष चैव, ये श्री ठाकुर जी के दर्शन करें यही पुष्टि मार्गी काम है। किशोरी बाई की वार्ता में बड़ा सुंदर उल्लेख आता है कि जब श्री किशोरी बाई श्री जी के दर्शन श्रीनाथ जी के दर्शन करने आई तो किशोरी बाई को देख के ठाकुर जी श्रीनाथ जी मंद मंद प्रसन्नता आपके मुखारविंद से प्रकट होने लगी। यहां ठाकुर जी मुस्कुरावे, यहां किशोरी बाई हंसे, उनके मुख में प्रसन्नता, किशोरी बाई के मुख में प्रसन्नता, श्री ठाकुर जी के मुख में प्रसन्नता, दोनों ही बात कर रहे हैं। कोई वैष्णव ने जाके श्री गुसाई जी से कहा कि किशोरी बाई को देख के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, श्री गुसाई जी ने इतना ही कहा कि किशोरी बाई पे श्री यमुना जी की बड़ी कृपा है। वार्ता प्रसंग में या को उल्लेख है कि ये किशोरी बाई पे श्री यमुना जी की बड़ी कृपा है। किशोरी बाई की वार्ता तो प्रसिद्ध है कि पुष्टि मार्गी ये काम कि ठाकुर जी के दर्शन हो, कामो हरिर दिदक्ष चैव, श्री यमुना जी की कृपा से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे किशोरी बाई को तव चरित्र मत्यद्भुतम, श्री यमुना जी का चरित्र अद्भुत है क्योंकि असाधन को साधन बनाने का आप में अलौकिक सामर्थ्य है। काम क्रोध देखो ये जितने भी विषय हैं ध्यान दो, काम क्रोध लोभ मोह मद ये जो भगवत प्रत्यर्थ हैं, काम जो भगवत प्रत्यर्थ है तो उत्तम है, क्रोध जो भगवत प्रत्यर्थ है तो उत्तम है, लोभ
अभी अभी हमने वो प्रसंग भी श्रवण किया, भगवत प्रत्यर्थ है तो उत्तम है, लेकिन जो भगवत प्रत्यर्थ नहीं है तो वो दोष युक्त है। जैसे रूपा बुढ़िया की वार्ता में आवे कि वो द्वार पे बैठते और कोई भी वैष्णव वहां से निकलते और उनसे पूछते, क्योंकि द्वार पे बैठे हैं तो सहज है कि कोई भी नए वैष्णव आवे उनको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो रूपा बुढ़िया से पूछे कि भाई श्रीनाथ जी की धजा जी के दर्शन कहाँ से होंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन कहाँ से होंगे, कहाँ निज मंदिर है। कछु भी उनसे जब पूछते तो रूपा पोरिया बड़े अपशब्द, बड़े क्रोध में उनको उत्तर देते हैं। और फलस्वरूप हम जाने हैं कि उनकी आगे स्वान की योनि भई। कहने को तात्पर्य प्रियजनों कि श्री यमुना जी में असाधन को साधन करवे को सामर्थ्य है। अद्भुत चरित्र है श्री यमुना जी को, नाम रूप गुण चरित्र सब अद्भुत है। श्री यमुना जी के विषय में तो कितनों कह सकें। चित्त स्वामी को जब वर्णन करवे की बात आई, जब श्री यमुना जी के ऐसे स्वरूप के जब उन्होंने दर्शन किए तो उन्होंने तो इतनो ही कहो कि गुण अपार एक मुख कहां लो कहियो, तजो साधन भजो नाम यमुना जी को लाल गिरिधरन वर तब ही पहिए। चित्त स्वामी तो इतना ही कह रहे हैं कि अब और सब साधन को छोड़ दो, जो ठाकुर जी की इच्छा है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति भगवत प्राप्ति करनी है, श्री यमुना जी की कृपा प्राप्त करनी है तो तजो साधन भजो नाम श्री यमुना जी को। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि एक रसना के गुण श्री यमुना जी के इतने हैं, गुण अपार एक मुख कहां लो कहिए, मैं एक जीवा से मैं श्री यमुना जी के गुणगान कहां तक करूं। सहस्त्र रसना क्यों न दई विधाता, ये तो सहस्त्र रसना हो तब जाके श्री यमुना जी के गुणगान हो सके। छीत स्वामी गिरिधरन विठल ऐसी निधि छाड़ी अब कहां जुजाइए, अब श्री यमुना जी को छोड़ के कहां जाए। श्री यमुना जी सहज कृपा कर रहे हैं प्रियजनों, भगवतियों पे श्री यमुना जी की कृपा भई, ब्रज भक्तों पे श्री यमुना जी की कृपा भई। श्री यमुना जी के विषय में तो जब कहने को समय आवे तब यूं होवे कि बोलते ही रहें, क्योंकि एक माता के विषय में जब बालक को कहो जाए कि तेरी माता कैसी है तो फिर वो बालक बोलतो ही जाए। ऐसे यमुना जी भी ऐसो ही स्वरूप है, क्योंकि वो अद्भुत कर्मा है। कोई भी जीव कैसा भी दोष युक्त क्यों ना हो, जब श्री ठाकुर जी के सन्मुख होने का भाव प्रकट करता है तो श्री यमुना जी की कृपा से श्री ठाकुर जी उसका स्वीकार करते हैं। ध्यान दो, जैसे एक उद्दंडी बालक की जब बात आती है पिता उस पे अप्रसन्न होता है, उस पे क्रोध करता है, लेकिन माता उसका पक्ष लेती है कि भाई मेरा बालक को आप ज्यादा उस पे अप्रसन्न मत हो, ये इतना उदंडी नहीं है, जैसा भी हो बालक माता उसका पक्ष लेती है। श्री यमुना जी भी पक्ष पाती हैं, वो हम सबका, भक्तों का, भगवतियों का, वैष्णवों का पक्ष लेती है। इसलिए तो कहा कि स्वभाव विजयो भवे, श्री ठाकुर जी का स्वभाव जो बदल दें, ऐसे श्री यमुना जी अद्भुत कर्मा है। दोष युक्त जीव जो ठाकुर जी के सन्मुख होता है तब ठाकुर जी उसके दोष को देखते हैं, विचार करते हैं ऐसा दोष युक्त जीव मैं उसका कैसे स्वीकार करूं, तब श्री यमुना जी ठाकुर जी का मन बदल देती हैं, स्वभाव बदल देती हैं। श्री ठाकुर जी से विनती करती है कि ये दोष निधि है और आप गुण निधि है।
आप इसके दोष को मत देखो, आप इसका स्वीकार। तो श्री यमुना जी के विषय में तो कितना कह सकें। श्री यमुना जी की कृपा भगवतीन पे अहरनिश भई। गोविंद स्वामी श्री यमुना जी में पांव नहीं धरते, वार्ता प्रसंग प्रसिद्ध है, कई ऐसे भगवतीन को उल्लेख कर सकें। एक बार श्री बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी ने कही कि चलो गोविंद स्वामी को पकड़ के जबरदस्ती श्री यमुना जी में दोनों बालक स्नान कर रहे थे और गोविंद स्वामी को हाथ पकड़ के, क्योंकि गोविंद स्वामी को ऐसा नियम कि यमुना जी में पांव नहीं धरें, श्री यमुना जी के तट पे से ही पूजन इत्यादि करें, आदिदेविक स्वरूप जाने, तो दोनों बालक एक बाजू से श्री बालकृष्ण जी, एक बाजू से गोकुलनाथ जी, दोनों पकड़ के गोविंद स्वामी को यमुना जी में डूबे हुए ले जा रहे हैं। तब गोविंद स्वामी ने इतना ही कही कि ये लौकिक देह श्री यमुना जी में मत डुबइयो। गोकुलनाथ जी जैसे आचार्य इनको कह दी, या फिर देखो दोष लगे वो मेरो नहीं है, वो जो भी दोष लगे वो आपको है। प्रियजनों, ऐसे श्री यमुना जी की कृपा कि हम सब अभिलाषी हैं, सहज कृपा को दान श्री यमुना जी करें। बहुत कुछ कहे को मन होए लेकिन अब समय भी हो रहा है, तो अभी थोड़े दिन पहले ही भगवत वार्ता में बड़ा सुंदर एक प्रसंग चला था श्री यमुना जी की कृपा का, कि एक क्षत्रिय आगरा से ब्रज में आए श्री गोसाई जी के सन्मुख हुए। सत्संग परायण वैष्णव ये बात समझ गए होंगे, और उनके मन में ऐसा भाव था, कापड़ के व्यापारी थे, यानी आगरा से जरी के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर थान लेकर श्री गोसाई जी के सन्मुख हुए। भाव यही था कि श्री गोसाई जी और जितने भी श्री गोसाई जी के बालक हैं, बहु बेटियां हैं, सभी के लिए वस्त्र पधराऊं तो सब वस्त्र अंगीकार करें। और ऐसे ही एक मर्दाना थान और एक जनाना, ऐसे दो गठरी लेके आए, श्री गोसाई जी के दंडवत किए। श्री गोसाई जी ने पूछी कि आए हुए को प्रयोजन, तुरंत उनने दोनों थान श्री गोसाई जी के सन्मुख रखे। श्री गोसाई जी यमुना जी के तट पे विराजमान थे, विश्राम घाट पे, तुरंत एक थान खोले और जनाना वस्त्र थे, श्री गोसाई जी ने देखे, इतनो आनंद भयो, इतनी प्रसन्नता भई, मन में विचार कियो ये तो स्वामी जी के लिए है, और ऐसे तुरंत ही वो थान लेकर श्री यमुना जी में पधरा। दूसरा थान खोला, उसमें श्री आचार्य श्री गोसाई जी के लिए वस्त्र थे, वो थान भी ऐसे कैसे श्री यमुना जी में पधरा दिया। विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो आपके लिए लेके आया था, मनोमन ये बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और आपने श्री यमुना जी में पधरा दिया, आपको क्या पसंद नहीं आए ये वस्त्र? और जो पसंद नहीं आए होए तो आपने आज्ञा कर दी होती और मैं पधरा लाता, लेकिन यमुना जी में पधराने की क्या आवश्यकता थी? मनोमन विचार कर रहे हैं, भोजन का त्याग कर दिया और एक स्थान पे जाके रुदन कर रहे हैं, विरह कर रहे हैं कि श्री गोसाई जी ने मेरी सेवा, मेरे ये जो वस्तु पधरा के आया, क्यों अंगीकार नहीं करी? श्री गोसाई जी तो अंतर्यामी है, सब बात जान गए। वो वैष्णव के पास आए, सामने से हाथ पकड़ा, और श्री गोसाई जी के श्रेहस्थ में दूधघर का डबरा है, और वो वैष्णव को हाथ पकड़ के विश्राम घाट ले आए, कहा तुम यहीं ठाड़े रहो, हम अभी आते हैं। और श्री गोसाई जी वो डबरा जो भोग का था वो लेके श्री यमुना जी में पधारे, और आपने कैसे दर्शन करवाए? या वार्ता आप जब देखें तो आपको श्री यमुना जी के अलौकिक दर्शन होंगे। वो वैष्णव यमुना जी के तट पे खड़ा खड़ा कैसे दर्शन हो रहे हैं कि जो वस्त्र पधरा के वो आया था, केवल स्वामी जी नहीं, केवल यमुना जी नहीं, लेकिन समस्त लीला परिकर, समस्त ब्रज भक्त
वही रंग के वही वस्त्र के वस्त्र धारण करके श्री ठाकुर जी की सेवा में तत्पर हैं। और जब ऐसे दर्शन हुए, नेत्रों में से अश्रुपात हो रहे हैं कि मैं श्री अपने गुरु को क्या समझ सके, मैं कैसे कैसे भाव प्रकट कर रहे हो तो, और श्री गोसाई जी तो कितने कृपालु हैं, तुरंत मेरे भाव को मेरे मनोरथ को जान गए। और ये श्री गोसाई जी के बिना ऐसे दर्शन मुको और कौन करवा सके। भाव प्रकाश में श्री राय जी इतनी सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि श्री यमुना जी साधारण नहीं है, श्री यमुना जी स्वरूपात्मक हैं, श्री यमुना जी में समस्त लीला परिकर विद्यमान हैं। वैष्णव को ये भाव सदा ध्यान रखनो। तो ऐसो अद्भुत चरित्र प्रियजनों श्री यमुना जी को है। छठो श्लोक आज हमने श्रवण कियो, न जातु यम यातना भवति ते पयः पानत। लालन ने बड़ी सुंदर बात बताई, माँ और मामा, श्री यमुना जी हमारी माँ हैं और यमराज जो हैं वो हमारे मामा हैं। और एक मामा छुट्टियों में तो बच्चे मामा के घर जाते हैं होलीडे पे, तो ऐसा अलौकिक संबंध के दर्शन हमको यहाँ प्रभु चरण करवा रहे हैं, श्री आचार्य चरण करवा रहे हैं कि यमुना संहारे थे यमुना समारे है। ध्यान दो कि यमुना संहारे थे यमुना समारे है। बस जो श्री यमुना जी को नाम ले, श्री यमुना जी के गुणगान करे, न जातु यम यातना, क्योंकि ये केवल पान नहीं है, एक माता का वात्सल्य है, इसलिए यहाँ पय शब्द आया है, नहीं तो जल शब्द का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पय पान यानी एक माता जैसे अपने बालक को दुग्ध पान कराती है, ऐसे ही जब जब हम श्री यमुना जी का पान करते हैं तो यही भाव रखना है कि हम भी श्री यमुना जी के पय पान कर रहे हैं। बस यही भावना के साथ समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आओ हम सब संयोगिनी शक्ति श्री यमुना जी के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करें। अभी ये जो समय चल रहा है ग्रीष्म काल, अक्षय तृतीया से लेके रथ यात्रा तक का जो समय है प्रियजनों, ये श्री यमुना जी का काल है। अब तो बहुत कम दिन रह गए और इसीलिए जल तत्व का अधिक से अधिक प्रयोग सेवा अंतर्गत हो रहा है। फुहारा चल रहे हैं, छिड़काव हो रहा है, खसके पर्दे लग रहे हैं, ये श्री यमुना जी का भाव है। तो श्री यमुना जी के बिना तो हमारी गति नहीं है, श्री यमुना जी के बिना हमारी मति नहीं है। बस तो श्री यमुना जी के चरणों में सदा हमारी रति मति और गति रहे, यही प्रार्थना के साथ अपने वाक पुष्प को श्री यमुना जी के युगल चरणारविंद में समर्पित करूं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। अब इतना आपने धैर्य धारण कियो है तो आश्रय को पद गान के बाद ही अब हम सब छूटा पड़ोसू गुजराती में, तो हवे अशोक भाई जी आगर नो क्रम छे, थोड़ी सूचना ने पछी आश्रय लेसु। दंडवत प्रणाम ने जे भी हरिराय प्यारे की जे। हवे आप सर्वे उपस्थित वैष्णवों ने जे जे श्री ने दंडवत प्रणाम नो लाभ मळशे तो भावेश भाई ने विनंती करीश के उपस्थित तमाम वैष्णवों ने अनम्यूट करशे। श्याम
पूजा वीडियो आई क्या? हाँ दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो दृढ़ेन चरणन केरो श्रीवल्लभनख चंद्रछटाभिना सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ेन चरणन केरो साधन और नहीं आकले मैं जासू हो निवेरो सूर कहा कहे द्विविध अंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गोकुलनाथ की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय श्री रसिया प्रभु ने की जय श्री गिरिराज धरने की जय।